हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट मनाया जाता है। ये त्यौहार दीपावली पूजन के अगले दिन आता है। गोवर्धन पूजा के दिन विशेष रूप से गायें, बैल और बछड़े की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था और देवराज के अहंकार को नष्ट किया था। तो आज हम जानेंगे साल 2021 में मनाई जाने वाले गोवर्धन पर्व की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे गोवर्धन पूजा के नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ये आपका अपना चैनल है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्यौहार का भारतीय लोक जीवन में काफ़ी महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी कि गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गायें उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में गोवर्धन पूजा का पर्व 5 नवंबर शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा प्रातःकाल का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:36 से 8:47 तक है। गोवर्धन पूजा शाम के समय का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम के समय 3:22 से शाम के 5:33 पर। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 5 नवंबर सुबह 2:44 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 5 नवंबर दोपहर 11:04 पर, 11:14 पर। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा की सामग्री। गोवर्धन पूजा के लिए भगवान कृष्ण की प्रतिमा, गोवर्धन पर्वत बनाने के लिए गाय का गोबर और दीपक, कलश, गन्ना, रोली, मौली, अक्षत, चावल, धूप, अगरबत्ती और नैवेद्य के रूप में फल, मिठाई, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इन सभी चीज़ों की पूजा में ज़रूरत होगी। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गोवर्धन पूजा के दिन प्रातःकाल तेल मालिश करके स्नान करें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री एकत्रित करके पूजा स्थल पर बैठें और अपने कुलदेव का ध्यान करते हुए पूजा विधि शुरू करें। पूजा के लिए सबसे पहले गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बना लें और इसे फूल, पत्तियों और टहनियों से सजाकर इसके बीच में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रखें और उनके समक्ष दीप, शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करें और सभी पूजन सामग्री भगवान को अर्पित करें। पूजा में इस्तेमाल किया गया गाय का दूध और दही, गंगा जल, शहद, बताशे का प्रसाद, ये सभी में वितरण करें। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा के नियम। दोस्तों, गोवर्धन पूजा के नियम के अनुसार पूजा के अंत में गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं लगाई जाती हैं, फिर जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी की जाती है।
माना जाता है कि जो भी आज के दिन गोवर्धन पूजा करता है उसके धन और सुख में वृद्धि होती है। गोवर्धन पूजा के दौरान गाय की विशेष रूप से पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन न सिर्फ गोवर्धन पर्वत बल्कि भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन किसी भी पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का प्रसाद जरूर चढ़ाएं और पूजा के बाद घर के सभी सदस्यों में ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए दें और शाम को चंद्रमा के दर्शन ना करें। यदि आप इस तरह पूरे विधि विधान के साथ गोवर्धन पूजा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ साथ धन, संतान और गोरस सुख भी प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा की कथा कहानी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा करते हुए देखा तो उनके मन में इसके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण की माँ भी इंद्र की पूजा कर रही थी। कृष्ण ने इसका कारण पूछा, तब बताया गया कि इंद्र बारिश करते हैं और तब खेतों में अन्न उत्पन्न होता है और हमारी गायों को चारा मिलता है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हमारी गायें तो गोवर्धन पर्वत पर ही रहती हैं, इसलिए गोवर्धन पर्वत की पूजा की जानी चाहिए। इस पर ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। तब इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। चारों तरफ पानी के कारण, बारिश के पानी के कारण ब्रजवासियों की जान बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। लोगों ने उसके नीचे शरण लेकर अपनी जान बचाई। इंद्र को जब पता चला कि कृष्ण ही विष्णु अवतार हैं तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा के लिए कहा और इसे अन्नकूट पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी गोवर्धन पूजा से जुड़ी एक खास जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और आपके लाइक से हमारे को मोटिवेशन अप होता है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी वीडियोस कितने अच्छे लगते हैं। और इस जानकारी को आप शेयर भी कीजिएगा अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस जानकारी को शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। बंसी की धुन पर सबके दुख वो हरता है, बंसी की धुन पर सबके दुख वो हरता है, आज भी अपना कन्हैया कई चमत्कार करता है। गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से कृष्णा का नाम जपो, दिल की हर इच्छा पूरी होगी। कृष्णा आराधना में तल्लीन हो जाओ, उनकी महिमा जीवन खुशहाल कर देगी। गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। लोगों की रक्षा करने एक उंगली पर पहाड़ उठाया, लोगों की रक्षा करने एक उंगली पर पहाड़ उठाया, उसी कन्हैया की याद दिलाने गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया। गोवर्धन धराधर गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहु कृतोच्छाये गवा कोटि प्रभो भव। लक्ष्मीर्या लोकपालनाम धेनु रूपेण संसिता घृतम वहिति यज्ञार्थे मम पापम व्यो पोहोतु। भगवान श्री कृष्ण के वचन जीवन न तो भविष्य में है, जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है।
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय गोपाल, जय गौ माता की।